मैं ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले संडे टेली कॉलिंग विदाउट परमिशन चल रहा बीजेपी वाले बोल के, फिर भी वो रेड होने के बाद भी नहीं रुका है। और मैं अभी जस्ट कमिश्नर कॉर्पोरेशन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर कलबुर्गी उत्तर से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने बोलते आप कंप्लेंट दो अभी एक बार, हम उसका वो फोन नंबर भी मेंशन करो कौन सा मोबाइल नंबर पे आया, हम एक्शन लेते कंप्लेंट एफआईआर करते बोल के क्लियरली उन्होंने बताया। सो है बीजेपी वाले इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं विदाउट परमिशन, लोगों को बस बस करके दिया। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। शरण आईटी कलबुर्गी समस्त नागरिक और आवाम को शरण आईटी का नमस्कार। मैं जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी से गुलबर्गा नॉर्थ को इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। आज बीजेपी वाले इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं विदाउट परमिशन, लोगों को बस बस करके दिया। एक ताज़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ, आज मुझे दोपहर में एक बजे बारह मिनट को एक फ़ोन आया, फ़ोन आके उसमें फ़ोन में क्या बोलते मुझे कि वोट डालो बीजेपी को बोल के बोलते वो लोग बोल के क्या करते, मैं बेंगलुरु से फ़ोन करूँ बोल के टेलीकॉलर बात करके हमारे को वोट डालो बोल के क्लियरली बता रहे। कब आया बोले तो 12:03 को आया फोन नंबर से। उन्होंने बोलते मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ बोल के एक लेडी टेलीकॉलर बोलते चंदू पाटिल को वोट डालो ये टाइम बोल के बोलते। मैं ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले संडे टेली कॉलिंग विदाउट परमिशन चल रहा बीजेपी वाले बोल के, फिर भी वो रेड होने के बाद भी नहीं रुका है। और मैं अभी जस्ट कमिश्नर कॉर्पोरेशन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर कलबुर्गी उत्तर से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने बोलते आप कंप्लेंट दो अभी एक बार, हम उसका वो फ़ोन नंबर भी मेंशन करो कौन सा मोबाइल नंबर पे आया, हम एक्शन लेते कंप्लेंट एफआईआर करते बोल के क्लियरली उन्होंने बताया। सो है मैं ऑलरेडी कंप्लेंट भी किया हूँ ऑनलाइन सी विजिल ऐप के तरफ से। मैं सीधा इतना पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी वाले एक परमिशन अप्लाई किए बोल के मुझे सुनाई आया, उसमें क्या है बोले तो कार्यकर्ता फोन लगा के वोट मांगते बोल के, बोले तो कार्यकर्ता फोन करते करते बट उन्होंने पेड 10,000-8,000 पगार दे के 100-100 लोगों को बिठा के कॉल करा रहे, वो एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा रहे। वो एक्सपेंडिचर में दिखा है ना उनका 40 लाख लिमिट खत्म होता है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई होते सीधा वो चीज़ नहीं कर रहे। उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे विदाउट एक्सपेंडिचर दिखाए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे। मैं सीधा एलिगेशन कर रहा हूँ बीजेपी क्या कर रहा है ना, 40% का रिश्वत का अमाउंट उन्होंने आज खर्चा कर रहे। और दूसरे कैंडिडेट है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और छोटे छोटे पार्टी से कंटेस्ट किया ना, उनको ग्राउंड में आने नहीं दे रहे और कंटेस्ट करने नहीं दे रहे, इतना दबदबा ही बनाए से है बीजेपी। वो छोड़ के अभी एक कॉल है मुझे सेकंड कॉल, उसमें कब आया बोले तो 12:01 को, वो एक ऑडियो रिकॉर्डेड रहता, उसमें क्या पूछता फोन करके एक ऑप्शन बीजेपी चंदू पाटिल को वोट दबाते बोले तो एक प्रेस करो, कांग्रेस खंडी स्वाति में को वोट डालते बोले तो 2 प्रेस करो, और थर्ड वन जेडीएस को वोट डालते बोले तो 3 प्रेस करो, अदर्स को वोट डालते बोले तो 4 प्रेस करो बोल के। हम कौन सा प्रेस करते ना वो बटन उनमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है, वो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होके उनका डाटाबेस में आता कंप्यूटर में, बोले तो शरण आईटी किसको वोट डाल रहा क्यों डाल कौन सा प्रेस बटन मारा बोल के। ऐसा वोटर का इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत तरीका से उसको क्या बोलते हैं चोरी कर रहे वो लोग, ये नहीं करना है। कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद MCC कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने के बाद ऐसे पर्सनल ऑडियो रिकॉर्डेड डाल के लोगों का डाटा लेने का काम कर रहे हैं ना, वो काम क्यों कर रहे हैं बोले तो समझो आपको कॉल आता आप एक दबाए बोले तो हाँ तो हमारे को बीजेपी को आ रहा बोल के उन्होंने चुप बैठेंगे, 2 दबाए तो कांग्रेस को आ रहा बोल के आपको आके मिल के पैसा दे के नहीं तो कन्वेंस करके क्या तो करके आपको वोट लेना चाह रहे, नहीं तो 3 दबाए तो आपको कैसा हैंडल करना, 4 दबाए तो आपको कैसा बीजेपी फॉर वोट लेना, वो सभी प्लानिंग चल रहा। ये सभी बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, ये सभी मेरे को कैसा पता बोल के आप सोचते होंगे। मैं शरण आईटी में एक्सपर्ट हूँ और मैं पढ़ा लिखा सा हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, ये फायदा आज के दिन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कौन से भी कॉल आया ना ऐसा आपको किनको वोट डाल रहे बोल के बटन प्रेस करो बोले तो बटन मत प्रेस करो, क्यों बोले तो आपका इन्फॉर्मेशन वो लोग चोरी कर रहे, ये आप मत करो।
मैं भी इसके लिए भी मैं कंप्लेंट डाला हूँ। कमिश्नर सर बोले दोनों कंप्लेंट हम इन्वेस्टिगेशन करके FIR करते और जल्द से जल्द वो क्या है रेक्टिफाई करते बोल के बताए सो है। इसलिए हमारा मांग है कि आज के दिन BJP रॉन्ग तरीके से सियासत पकड़ना नॉर्थ में बोल के उन्होंने सोच रहे ना, वो होने नहीं देंगे हम। और फेयर इलेक्शन होना, कौन भी जीतन दे, एक फेयर आदमी, अच्छा एजुकेटेड, अच्छा इलेक्शन करने वाला और अच्छा तरीके से वोट लेने वाला आदमी चुन के आना बोल के हमारा मांग है। धन्यवाद।